आम चुनावों की घोषणा से ठीक पहले चुनाव आयुक्त अरुण गोयल के इस्तीफे पर राजनीतिक विवाद छिड़ा हुआ है। विपक्ष इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बता रहा है, तानाशाही तक के आरोप लगाए जा रहे हैं। ऐसे में ये समझना जरूरी है कि संविधान में चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर प्रावधान क्या है। संविधान के आर्टिकल 324 में चुनाव आयोग की व्यवस्था है। इसी में ये भी प्रावधान है कि चुनाव आयुक्त या मुख्य चुनाव आयुक्त राष्ट्रपति को इस्तीफा भेजकर अपना पद छोड़ सकता है। चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने उसी व्यवस्था के तहत इस्तीफा दिया है, जिसके कारण पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने निजी कारणों से इस्तीफा दिया है, लेकिन पहले उनकी जिस तरह से IAS से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के तुरंत बाद नियुक्ति में जल्दबाजी को लेकर विवाद हुआ, उसी तरह से उनके अचानक इस्तीफे ने भी राजनीतिक बवाल खड़ा कर दिया है। संविधान के आर्टिकल 324-2 में जो प्रावधान है उसके मुताबिक चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त यानी CEC और उतने अन्य चुनाव आयुक्त यानी EC होंगे। मतलब संविधान के मुताबिक चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयोग के अलावा अन्य चुनाव आयुक्त के नहीं होने से उसकी संवैधानिकता पर सवाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि आर्टिकल 324-3 में यह स्पष्ट किया गया है कि अगर कोई अन्य चुनाव आयुक्त की इसी तरह से नियुक्ति होती है तो मुख्य चुनाव आयुक्त चुनाव आयोग के चेयरमैन के तौर पर कार्य करेगा। चुनाव आयोग 3 सदस्य है। 1993 के बाद से चुनाव आयोग कभी भी 1 सदस्य नहीं रहा है। ये तब की बात है जब CEC के तौर पर TN शीशन मौजूद थे। उन्होंने जिस तरह से चुनाव सुधार लागू किए और चुनाव आयोग को वास्तव में सरकार से स्वतंत्र एक संवैधानिक संस्था के रूप में स्थापित किया था, उससे तत्कालीन कांग्रेस सरकार से उनकी जोरदार तरीके से ठन गई थी। तब कांग्रेस सरकार ने आर्टिकल 342-3 के प्रावधान के तहत एक अध्यादेश के जरिए मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा 2 अतिरिक्त चुनाव आयुक्तों की भी नियुक्ति कर दी थी। ये चुनाव आयुक्त थे MS गिल और GVG कृष्णमूर्ति। शेषन ने सरकार के अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि संविधान के तहत एक या अधिक अतिरिक्त चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की जा सकती है। उसी के बाद से 3 सदस्य चुनाव आयोग की परंपरा चल पड़ी, जिसका चेयरमैन मुख्य चुनाव आयुक्त होता है। अभी की स्थिति यह है कि गोयल से पहले चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे पिछले महीने ही 65 साल के होने पर रिटायर हो चुके हैं। उनका पद खाली ही था कि गोयल ने अचानक इस्तीफा दे दिया। अब ऐसा नहीं है कि इन रिक्त पदों पर नियुक्तियां नहीं हो सकती। सरकार चाहे तो अभी भी चुनाव तारीखों की घोषणा से पहले चुनाव आयुक्तों के दोनों खाली पदों पर नियुक्तियां की जा सकती है, लेकिन इसकी प्रक्रिया बहुत तेजी से पूरी करनी होगी। इसके लिए पहले दोनों पदों के लिए कुछ नाम छांटने पड़ेंगे, जिस पर फैसला प्रधानमंत्री की अगुवाई वाला एक 3 सदस्य पैनल लेगा। CEC और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वाला ये कानून पिछले साल के आखिर में ही संसद में पास हुआ है। इस पैनल में प्रधानमंत्री के अलावा विपक्ष का नेता या फिर सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता शामिल होता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। खबरों से जुड़े ताजा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।